know that there is complete lockdown all over the world due to coronavirus. That's why our school management decided to conduct online classes. Therefore, I, ALOK Kumar, your computer faculty over here with our subject, that is information technology. So let's start today's class. Here we have chapter 1, that is internet basics. First we know that what is internet. The internet sometimes called simply the net means internet ko hum log net bhi kah sakte hain as a worldwide system of computer networks. A network of networks that connect millions of computer called host means internet is a collection of network of networks means duniya ka sara networks ko hum iske andar collection kar kar ke hum log sab ek sath mil kar ke work karte hain. That is called the internet. Second thing, application of internet means uses of internet. Hamare life mein internet ka kahan kahan uses hain. First, e-learning. Jaise best example, aap jo kar rahe ho, study kar rahe ho, this is the example of the e-learning. Second, read latest news. हम लोग जैसे भी कोई न्यूज़ हमारा अप टू डेट होता है वो हम तक पहुंच जाता है नेट के माध्यम से. शेयर आवर थॉट्स विद फ्रेंड्स एंड सोशल नेटवर्क्स. जैसे हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, तो इंटरनेट हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने थॉट्स को अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिजनेस जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं बेचते हैं हम ऑर्डर करते हैं ये हमारा कहलाता है बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट आवर जॉब हंटिंग. हम कोई भी जॉब के लिए सर्च करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं हमारे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं हम कॉल लेटर आते हैं टोटल चीज हमारा होती है जो हमारा ऑनलाइन होता है दैट इज कॉल्ड द जॉब हंटिंग. रिसर्च. आज हमारे यहाँ साइंटिस्ट बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट आज यहाँ वहाँ उनकी जाने की आवश्यकता नहीं है वो कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से वो एक जगह बैठकर ग्रुप कम्युनिकेशन कर करके वो लोग रिसर्च कर रहे हैं. ईमेल मेल करना मैसेज भेजना हम लोग आपस में एक दूसरे को मेल करते हैं बाय द इंटरनेट. ग्रुप डिस्कशन हम लोग एक साथ बैठकर किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डिस्कशन. इन लास्ट वी कैन से दैट इंटरनेट इज एन एंडलेस एग्जांपल एंड reasons that change our habits and modern lifestyle means ये हमारे lifestyle को पूरी तरह से changing कर दिए. Next our advantages of internet. Internet का क्या advantage है? Greater access to information reduce the resource times. कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा information को research करते हैं हम उसको खोज करते हैं हम उसको खोजते हैं. Useful communication links. राइट हम एक लोग से दूसरे लोग से लिंक होते हैं एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं. ग्लोबल रीच इनेबल्स वन टू कनेक्ट टू एनीवन ऑन द इंटरनेट. इतने बड़े वर्ल्ड को हम एक मुट्ठी के अंदर समेट करके एक नेट हमें पॉसिबिलिटी कर दिया कि हम एक कंट्री टू अनदर कंट्री हम एक जगह से दूसरे जगह लोग हम एक साथ बैठ कर इससे कर सकते हैं. इजी कम्युनिकेशन विद अदर पीपल राइट यू आर चैटिंग करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं बाय द इंटरनेट. पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट सेव्स पेपर. आज कोई भी ऑथर्स अपने बुक को लिखते हैं अपने पेपर को लिखते हैं मैगजीन को लिखते हैं तो पब्लिशिंग इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं. अवेलेबल रिसोर्स फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड कंडक्ट द बिजनेस. आज हमारे यहाँ कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट्स को निकालती है तो उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गली गली डोर टू डोर जाना नहीं पड़ता है वो नेट के माध्यम से वो उसको एडवर्टाइजिंग करते हैं. दैट्स ऑल आर द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट. सेकंड थिंग डिसएडवांटेज. हर चीज के दो पहलू होते हैं सिक्के के दो पार्ट होते हैं उसी प्रकार इसका कुछ हमारा इसका एडवांटेज है समथिंग डिसएडवांटेज. जैसे साइबर फ्रॉड्स आज बहुत सारे लोगों के क्या होती है कि उसको किसी के कार्ड के माध्यम से कार्ड को चुरा करके उसके पैसे को बैंक से आउट कर दिया जाता है और किसी के फेसबुक आईडी को हैक कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड द साइबर फ्रॉड्स. अनसुटेबल एंड अनडिजायरेबल मटेरियल अवेलेबल. आज हमारे नेट पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं लेकिन ये हम लोग को देखना है कि हमारे लिए कौन सा इंफॉर्मेशन है और हमें बस उसी को यूज करना है अनसुटेबल इंफॉर्मेशन को हम लोग को यूज नहीं करना है. मेजर सोर्स स्प्रेडिंग वायरस थ्रू द इंटरनेट. आज आप लोग सुनते हैं वायरस विटर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वो वायरस वो होता है दैट इज अ मेजर सोर्स टू स्प्रेडिंग वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर तो वायरस आने का चांसेस इससे ज्यादा बनता है. दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट. Now,
Second term is the worldwide wave. The worldwide wave was proposed between 1989 to 1991 by Tim Berners-Lee. टिम बर्नर्स ली हमारे बहुत बड़े वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेव का खोज किया. उनको खोज करने में टाइमिंग ड्यूरेशन 1989 से 1991 तक लगा था. दिस इज असिस्ट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल दैट अलाउ टू द मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल टू बी क्रिएटेड डिस्प्ले एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट. वर्ल्ड वाइड वेव के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड को हम एक साथ उसे कंबाइन उसे कनेक्ट करते हैं. दैट इज अ वे टू कनेक्ट ओवर द वर्ल्ड at one to other. Next topic is our computer network. Computer network, या simply हम उसको network भी बोल सकते हैं, बहुत आसान. A computer network is a digital communication network. A computer network is used to connect a group of computers and peripheral devices to each other. Means कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से, एक डिवाइस को बहुत सारे डिवाइस से हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं. और पर्पस हमारा यही होता है टू शेयरिंग आवर इंफॉर्मेशन. हम लोग कनेक्ट कर करके हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को आपस में शेयरिंग करते हैं. देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ द नेटवर्क्स. वन लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, सेकेंड मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड वैन वाइड एरिया नेटवर्क, फोर्थ फैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिफ्थ कैन कैंपस एरिया नेटवर्क. तो वन वन कर करके हम उसको डिस्कस करते हैं. लैंड लोकल एरिया नेटवर्क कवर्स ए स्मॉल एरिया होम ऑफिस स्कूल. मीन्स लैंड के माध्यम से हम छोटे जगहों को में हम दो और दो से अधिक कंप्यूटर को वायर के माध्यम से हम उसे कनेक्ट करते हैं. डाटा स्पीड इज द फास्ट अप टू 1000 मेगाबिट पर सेकंड. जब हम वायर के गाइडेड मीडिया के द्वारा दो कंप्यूटर को आपस में अटैच करते हैं तो इसकी डाटा स्पीडिंग बहुत फास्ट होती है. 100,000 मेगाबिट पर सेकंड. कनेक्ट बाय केबल, यहाँ हमेशा केबल और वायर के माध्यम से कनेक्ट करते हैं. इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना हमारा बहुत आसान होता है. लो कॉस्ट और कम पैसों में हम इसे वर्क करते हैं. Second is WAN, Wide Area Network. Its speed is less. WAN is हमारा not a limitation of the area. इसके अंदर हम कोई limitation area के नहीं होती है. ये one country to another country हम इसको आपस में connect कर सकते हैं. इसका speed भी LAN के तुलना में less होता है. Second thing, covers broad area like a country to country. बताएंगे आपको. मोर एक्सपेंसिव, थोड़ा कॉस्टली होता है. कनेक्ट बाय सैटेलाइट, इसमें हमारा वायर केबल काम नहीं करता है. डिस्टेंस काफी होने की वजह से हम इसमें रेडियो वेव्स या सैटेलाइट के माध्यम से हम इसमें कनेक्टिविटी करते हैं. थर्ड इज मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. जस्ट लाइक अ टेलीविजन नेटवर्क, इट कवर्स इंटायर सिटी. जिस प्रकार टेलीविजन का जो हमारा डिस्क का जो वायर होता है पूरे लोकेशन के साइड से उसे मूव किया जाता है, और जिनको रिक्वायरमेंट होता है उस वायर को पंचर कर कर अपने घर तक उसे लाते हैं. ठीक उसी प्रकार इस हमारे नेटवर्क के माध्यम से हम लोग इंटायर सिटी को हम एक केबल के माध्यम से हम कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन फॉर शेयर पर्सनल फाइल टू शॉर्ट डिस्टेंस, एग्जाम्पल ब्लूटूथ. जैसे हम लोग साथ में बैठ कर करके हम लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयरिंग करते हैं, तो ब्लूटूथ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पैन. एंड नेक्स्ट इज अ कैन कैंपस एरिया नेटवर्क. आज हमारे यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आज वहाँ वाईफाई सेटअप कर दिया जाता है. और उस कैंपस के जितने भी इम्प्लॉय होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उस एक वाईफाई से सब लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं. दैट इज कॉल्ड द कैन. Now, some terms to related to internet. कुछ terms हैं जो हमारे internet से related हैं, like first of all client. तो what is the client? We are client. Our computer is a client. हम लोग जिस computer से बैठ कर work करते हैं वो computer clients कहे जाते हैं. Any computer on the network that requests service from another computer on the internet. जैसे हमारे हम बैठते हैं, हम request करते हैं server से, तो हम और हमारा computer एक क्लाइंट के नाम से जाने जाते हैं. नेक्स्ट इज द सर्वर. एनी कंप्यूटर दैट रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर्स प्रोसेस एंड सेंड द आउटपुट. जो हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे क्लाइंट कंप्यूटर को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वेस्ट वो जो रिजल्ट मुझे दे देते हैं, दैट कंप्यूटर इज नोन एज द सर्वर.
नेक्स्ट इज द वेब पेज कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नोन एज द वेब पेज, जहां जिस जगह पर सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्शन किया जाता है उसे कहा जाता है वेब पेज. नेक्स्ट इज अ वेबसाइट कलेक्शन ऑफ द इंटरकनेक्टेड वेब पेज डिजाइंड विद इन द सर्टेन गोल इन माइंड, जहां पे सारे वेब पेजेस को कलेक्शन किया जाता है उस वेबसाइट के नाम से जाना जाता है. एंड नेक्स्ट इज अ वेब ब्राउजर अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्केप, म्यूजिक, ओपेरा, सफारी, लिनक्स. मींस कहने का मतलब जिसके माध्यम से क्लाइंट और सर्वर को बीच में जोड़ा जाता है, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, हमारे रिक्वेस्ट को सर्वर तक देने का काम करता है और सर्वर को रिजल्ट को क्लाइंट तक पहुंचाने का काम करता है, दैट इज नोन एज द वेब ब्राउजर. दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.